हर कहानी के ना बहुत पहलू होते हैं, फर्क बस ये होता है कि कहानी सुना कौन रहा है। अरे आनंद बाबू, क्या हालचाल? कामते साहब सब ठीक है ना? हम ठीक हैं, हम सब लोग ठीक है। तुम ये बताओ, इतनी इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलवाई तुमने? सर जी, वो रिशु वाले केस में थोड़ी हेल्प चाहिए थी आप लोगों की। वही कत्ल जो नदी किनारे एक छोटे शहर में हुआ, न्यूज में देखा था मैंने। वो रिपोर्टर पूरा पागल हो चुका है कॉन्स्पिरेसी के चक्कर में। अरे यार, मेरा पूरा शक है ये विक्टिम की बीवी रानी कश्यप पे। पर ये ब्लास्ट की वजह से सुराग मिट गए। या सुराग मिटा दिए गए रावत? रानी भाभी विक्टिम है या कल्प्रिट? ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी नहीं, अल्टीमेट कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी। वैसे रावत, तुमको रानी भाभी पे इतना शक क्यों है? अरे यार, मोटिव क्लियर है भाई। इसका जो लवर है ना नील, ये फरार है और मैडम घुमा रही है। अच्छा रावत, एक बात बताओ, ये रानी भाभी की कोई आदतें या हरकतें कुछ जानते हो जिसकी वजह से हमें कोई सुराग मिल सके? सर ये सुराग का तो पता नहीं, लेकिन कोई दिनेश पंडित है, इसके कोट झाड़ती रहती है। माय वर्ड, दिनेश पंडित, वो पॉपुलर क्राइम नॉवेलिस्ट। ये देखिए सर, मैं भी दिनेश पंडित की किताब पढ़ रहा हूँ। कामटे साहब, इनके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है आपके पास? उनकी राइटिंग में एक खास किस्म का पैटर्न है। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े कत्ल करवा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े कत्ल। आनंद, कुछ समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब हो सकता है सर? छोटे शहर में ऋषभ सक्सेना का बड़ा कत्ल। मुझे पहले से ही पता था। ये कौन है? सर ये अफजर है, ऋषु का बेस्ट फ्रेंड है सर। मुझे लगा इसे थोड़ी पूछताछ करेंगे तो रानी के खिलाफ कोई शायद नया क्लू मिल जाए। करो करो। अफजर, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मतलब ऋषु को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ सर। ये बेस्ट फ्रेंड टाइप के लोग कुछ भी के नाम पे पूरे केस को पलट के रख देते हैं। इनसे सवाल करके कोई फायदा होने वाला नहीं। ये बेस्ट फ्रेंड वाले लोग होते हैं ना, इनको सब कुछ पता रहता है। इन्हीं से पता चल जाएगा। पहले ये पता लगाओ कि ये रानी कश्यप कब सोती है, कब जागती है, क्या शीके का इसे अपने बाल धोती है, क्या उसका सनस्क्रीन SPF 10 या SPF 30 होता है, या उसके टूथपेस्ट में नमक होता है, या फिर GMO नाम के पदार्थ अपने खाने में इस्तेमाल करती है क्या, सब कुछ पता लगाओ। सर वो खाने से याद आया, इसके फ्रिज के सैंपल मैंने कामते को टेस्ट, मेरा मतलब टेस्ट के लिए भेज दिया है। कामते साहब। हाँ सर, ये दाल, इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो काला है सर। अरे सर, ये तो दाल ही काली है। बहुत टेस्टी है। अरे सर, आप दाल छोड़े, आप सर रानी के हाथ का मटन खा के देखे सर। अद्भुत मटन बनाती है सर, अद्भुत। कमते, मजाक चल रहा है इधर। सर सर एक मिनट सर, मैं करता हूँ। कामते साहब क्या कर रहे हो? एक मिनट। अब सर एक बात बताओ, रिशु और रानी के बीच संबंध कैसे थे? मतलब सर कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। वैसे सर हर कहानी के ना बहुत पहलू होते हैं, डिपेंड करता है कहानी सुना कौन रहा है सर। अच्छा, तो तुम भी दिनेश पंडित के फैन बॉय हो? कौन दिनेश पंडित सर? मैं तो सर नाम ही पहली बार। दिनेश कार। अरे तो दिख रहा है, बोल ना भाई। लेफ्ट द चैट। सर ये अफजर तो, ये अफजर लेफ्ट द चैट नहीं, भाग गया ये। एक काम करो, इस रानी भाभी पर प्रेशर बना के रखो, और ये ऋषभ का भाई है ना नील, उसे उठाओ, गिरफ्तार करो। हाँ हेलो, क्या हॉकिंग में फिर से हंगामा? यार ये बच्चे भी ना, रावत हम सबको जाना पड़ेगा। ये संभाल लो इधर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। वैसे सर हर कहानी के ना बहुत पहलू होते हैं, फर्क बस ये होता है कि कहानी सुना कौन रहा है। माय गुडनेस, कहीं ये बीवी और बेस्ट फ्रेंड का कॉन्स्पिरेसी तो नहीं?